राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल बोलती बुक्स विद अंजलि में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बाल राम कथा का पार्ट 7, जिसका शीर्षक है सोने का हिरन। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता, छिपता, भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा। उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चलाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गईं, घबरा गईं, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। आप चिंता ना करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए।
आप निश्चित रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया, लक्ष्मण की चाल। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है, चाहते हैं कि राम ना रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का काटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहां तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात हुआ, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, यह डर था कि राम से बिछो ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछड़ कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा को लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूं, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम तो सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूं, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूं, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे। रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना, उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत विछत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था,
राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंचा। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा। बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें एक वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो। मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया। यहां से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो दोस्तों, यहां पर बाल राम कथा का 7वां पाठ समाप्त होता है। हम अगले शनिवार फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष अगला पाठ लेकर, सीता की खोज। तब तक के लिए राम राम।